हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं, और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जाग जाएगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष की भट्टी में खुद को जलाने की कोशिश करेगा वही हीरे की तरह चमक के दिखाएगा। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और वो एक दिन तभी आता है जो बंदा कठिन परिश्रम करता है। कुछ लोग घबरा करके बिखर जाएंगे तो कुछ मेहनत करके निखर जाएंगे। तुम तो मेरे गूगल स्टूडेंट और राफेल स्टूडेंट हो, तो राफेल से तेज तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए और गूगल से जबरदस्त तुम्हारे कंसेप्ट होने चाहिए। सफलता तो बढ़ चढ़ करके बोलेगी अगर मैदान में टिके रहोगे, क्योंकि एक बेहतरीन लाइन याद आती है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा, और सिलेक्शन के बाद खुशी भी अपनी होगी। तो सर पड़ोसी के लिए क्या कुछ छोड़ा नहीं? अरे है ना, उनको बोलो कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। ध्यान रखिएगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, लेकिन कमेंट हर बच्चे को जरूर जरूर करना है। और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को शेयर या लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा प्यारे मित्रों कुछ इस प्रकार से, सवाल आपसे पूछ रहा है फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपसे बोला गया है कि एमनियोटिक फ्लूड के सारे काम रहेंगे छोड़ के, और टुकड़ टुकड़ ना देखें। अब जल्दी से जवाब देने में खुद को उजागर करें। हाँ, सबका गुड मॉर्निंग स्वीकार है प्यारे दोस्तों। एमनियोटिक फ्लूड मैंने खूब सारा आपको पढ़ा रखा है, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूड पूछा है, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग सारे के सारे होंगे छोड़ के, यहां एक्सेप्ट का मतलब रहेगा प्यारे मित्रों छोड़ कर, कि ये इसका फंक्शन नहीं है। तो अपने को फंक्शन के अंदर या थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊं तो मैं बोट ना भर करके बोल देता हूं, एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है? तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन में भरा हुआ वो पानी जो बच्चे के ऊपर आने वाली बीमारियां या विचलता या दर्द को रोकने में मदद करता है या उस पर पहुंचने वाली चोट को रोकने का काम करता है, एमनियोटिक फ्लूड कहलाता है। एमनियोटिक फ्लूड बनाने की शुरुआत मैटरनल टिश्यू करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सार गर्भित अपना रोल अदा करता है, वो बच्चे का खुद का यूरिन करता है। अति महत्वपूर्ण लाइन होती है कि एमनियोटिक फ्रूट में कोई न्यूट्रिशन होता है नहीं, इट इज ए नॉन न्यूट्रिएंट होता है। एमनियोटिक फ्रूट बेटा एल्केलाइन नेचर का देखने को मिलता है, अरे एल्केलाइन नेचर का होता है, आइसोटोनिक फ्लूड देखने को मिलता है। एमनियोटिक फ्लूड पहले 12 वीक में बनना शुरू होता है 50 ml, फिर भैया जी 16 वीक में 100 ml, अरे 20 वीक में 400 ml, लेकिन 32 से 36 वीक में 1000 से 1200 ml, एट द टाइम ऑफ टर्म वो 600 से 800 ml होता है, पोस्टम में कम हो जाता है। वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, अरे चोट पहुंचाने है, चोट बच्चे तक ना पहुंचे उसका बचाव करता है, फोर्स को डाइवर्ट करता है। ये तमाम चीजें अपन ने पढ़ ली थी, और इसके अलावा जो भी होगा वो एबनॉर्मल होगा, सही बात है। कलर के साथ उसकी एबनॉर्मलिटियां देखी थी, ग्रीन कलर हो गया, ग्रीनिश येलो हो गया, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, टोबेको हो गया, अटर्म सटर्म वही इसका इश्यू समाप्त हो गया। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर देना, कोई बात नहीं है, तकलीफ हो जाती है ना, संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।
एक बार अगर वापस से बुलंद सी आवाज आने लगी है तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दीजिएगा, राफेल की तरह टुकड़ टुकड़ ना देखें, ताकि मैं अपने सेशन को वापस से तेजी के साथ कैरी ऑन करूं। नहीं आ रही है, आ गई आ गई आ गई जी, आ गई। चलो आ गई ना सबको। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। दो मिनट के लिए वापस रिवाइज करा देता हूं। मैंने एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मलिटी के बारे में आपके सामने बोलने की कोशिश की थी कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। नॉर्मल जो होता है वो तो एक हेल्थी है, अच्छा है, लेकिन उसके अलावा जो भी होगा वो एबनॉर्मल होगा। पहली बात, एमनियोटिक फ्लूइड का अति महत्वपूर्ण काम है बच्चे पे पहुंचने वाली चोट को रोकना। माँ की ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन में बनता है, माँ बनाना शुरू करती है, लेकिन सर्वाधिक बच्चा अपना रोल अदा करता है 12 वीक में बनना शुरू होता है। लेवल पे 600 से 800 होता है, पारदर्शी होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, एल्केलाइन होता है, आइसोटोनिक नेचर में पाया जाता है। इसके अलावा जो भी होती है एबनॉर्मलिटीयां या बीमारी का रूप धारण करती है, चाहे वो कलर के आधार पे ग्रीन कलर हो, रेड कलर हो, टोबैको कलर हो, सैफ्रन कलर हो, या गोल्डन कलर हो, या ग्रीनिश येलो कलर के नाम से जानी जाए, या ओलिगो हाइड्रोमेनियाज, हाइड्रोमेनियोज, या पॉलीहाइड्रोमेनियोज के नाम से जानी जाए। That's clear, बहुत बढ़िया। यहां अपन ने क्या बात की है प्यारे दोस्तों, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। अरे आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, यहां पहला बोल दिया कुशन इफेक्ट ऑफ द फिटस, बच्चे के लिए तकिया जैसा काम करेगा, जरूर करेगा। इसी को प्यारे दोस्तों अपन ने क्या नाम दिया था, शॉक एब्जॉर्बर। क्या बोला था, शॉक एब्जॉर्बर के नाम से जाना था, यानी बच्चे पे आने वाली चोट इससे टकराएगी और टकरा करके नष्ट नाबूद हो जाएगी। इंप्रूव द यूरिन आउटपुट, बेटा एमनियोटिक फ्लूइड कभी यूरिन आउटपुट का इंप्रूवमेंट नहीं कराता है, बल्कि यूरिन आउटपुट एमनियोटिक फ्लूइड का इंप्रूवमेंट कहलाता है। तो दूसरा शब्द गलत है, और हमें यही पूछा था कोई गलत बता दो, तो राइट आंसर मेरी तरफ से भी जाएगा। तीसरा बोल दिया मेंटेन इवन टेंपरेचर ऑफ द फिटस, वेरी गुड बेटा। अरे बाहरी वातावरण अलग होता है, लेकिन बच्चे के लिए बॉडी टेंपरेचर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा माहौल क्रिएट करता है। और आपको पता है कि बच्चे के अंदर फैट का डिपोजिशन या बॉडी में फैट कम होती है, इसलिए ठंड ज्यादा लगती है। हाइपोथर्मिया का बहुत डर होता है, तो जब बच्चा मां के पेट में होता है तो इस चीज से उसका बचाव किया जाता है। नेक्स्ट हो गया कि प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फिटस, बच्चे का डेवलपमेंट कराती है। जी हां, अब आप बोलोगे सर न्यूट्रिशन ही नहीं है, काई खाक का डेवलपमेंट कराती है, न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन जब बच्चा अंदर घूमेगा तभी तो विकास होगा। अरे बोला था ना विकास होगा, तो विकास कैसे होगा जब बच्चा अंदर घूमेगा। ये रही भैया जी एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा ये आपका टूटू, अरे ये टूटू और ये एमनियोटिक फ्लूइड बना हुआ है, और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, कम होगा तो बच्चा घूमेगा नहीं, बल्कि ज्यादा होगा तो ये बच्चा आराम से घूमेगा, और घूमेगा तो बच्चे में क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो ए सी डी तो सारे सही है, जैसा कि आप सब लोगों ने कमेंट बॉक्स में पुट किया था। जिन बच्चों ने गलती से भी गलती कर दी और बी उत्तर दे दिया, उनका यहां गलत होना चाहिए, एग्जाम हॉल में गलत किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा कुछ इस प्रकार से, टुकर टुकर ना देखें बेटा, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ना पूरी धरा साथ दे तो और बात है, अरे पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। तो दूसरे कदम से कदम मिला करके चलिएगा, दूसरा पांव मेरे साथ में मेरा विद्यार्थियों का रहेगा। इम्यूनिटी ट्रांसफर टू फिटस फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा, प्यारे दोस्तों आपसे बोला है इम्यूनिटी मां के द्वारा प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे पे पास पहुंचेगी, वो कौन सी है। अब इस पूरे टॉपिक को अपन बचेंगे, चार शब्द लिखे हुए, पैसिव नेचुरल, एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल और पैसिव आर्टिफिशियल। फटाक से एक बार अपना जवाब दो, फिर आगे चलते हैं। पढ़ने के बाद जवाब दोगे, वेल डन। आओ बेटा टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब ये हमारी बॉडी का वो डिफेंस पावर है जो किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ना या हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम करता है, यानी इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ बॉडी, या इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम दैट फाइट अगेंस्ट द डिजीज। अरे ध्यान रखिएगा, किसी भी आने वाली बीमारी से लड़ने की क्षमता ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इम्यूनिटी को आप रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, इट इज ए डिफेंस पावर, इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड रिस्क फैक्टर। ध्यान रखिएगा, किसी भी बीमारी से लड़ना या इट डेवलप ए रेजिस्टेंस पावर, इट डेवलप
ए रेजिस्टेंस पावर, इट डेवलप ए रेजिस्टेंस पावर। या प्यारे दोस्तों ये हमारे अंदर रेजिस्टेंस पावर यानी बीमारी हमारे ऊपर कोई असर नहीं दिखाए ऐसा एक पावर जनरेट कर देती है, डेवलपमेंट कर लेती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कंडीशन, बीमारी से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी है, या हमारे शरीर में कोई बीमारी आए नहीं तो भी हमारी इम्यूनिटी है। अब आगे बात करेंगे इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है या क्या होती है, यहीं पर मैं दो शब्दों का जिक्र करता हूं जिन्हें बोला जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी। अति महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दुनिया रटवाएगी, टिप्स में करवा दूंगा इम्यूनिटी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। पहला शब्द मैंने यहां क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, शब्द का नाम है एंटीजन। अब आपको कमेंट करके बताना है व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन, और आपको दूसरा बताना है एंटीबॉडीज, और क्या मतलब होता है प्यारे दोस्तों एंटीबॉडीज का। एक शब्द एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन का मतलब, अरे इट इज ए पार्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल कम इनटू द बॉडी एंड गिव ए स्टिमुलेशन टू इम्यून सिस्टम, या अपन बोल सकते हैं एनी फॉरेन पार्टिकल कम इनटू बॉडी, बाहरी कोई भी फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब फॉरेन से आना नहीं होता है, फॉरेन पार्टिकल का मतलब ऐसा कण जो हमारे शरीर का वास्तविक हिस्सा नहीं है, वो सब फॉरेन पार्टिकल है। मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, मेरा चश्मा, मेरा पेन, मेरा शर्ट, शर्ट के बटन, सर के धागे, ये सब मेरे लिए फॉरेन पार्टिकल है। सर ये जब तक हमारे शरीर के बाहरी आवरण को टच करेंगे तब तक नुकसान नहीं है, जैसे ही ये इंटरनल ऑर्गन में जाएंगे तो मेरे अंदर विचलितता या फड़फड़ाट आएगी। आपको पता है एक बाल अपने आंखों में या मुंह में चला जाता है अपनी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, करती है ना, छोटा सा कण चलाए, मिट्टी का कण चला जाए, धूल का कण चला जाए, लकड़ी का कण चला जाए, रिएक्शन होती है। तो मैंने क्या बोला, एनी फॉरेन पार्टिकल कम इन टू द बॉडी एंड गिव ए स्टिमुलेशन टू इम्यून सिस्टम, बाहरी जो आता है वो सिर्फ बोलता है मैं आ गया, बात खत्म, दैट इज एंटीजन। जो बाहर से आए और बोले मैं आ गया वही एंटीजन है, इसे क्या बोलोगे, फॉरेन पार्टिकल कम इनटू बॉडी एंड गिव स्टिमुलेशन टू इम्यून सिस्टम। ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आए और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, बस यही क्या है एंटीजन। अब उसके खिलाफ बॉडी कैसा रेस्पॉन्ड करेगी, दो ही प्रकार के, आने वाला कमजोर तो बॉडी हेवी हो जाएगी और आने वाला भारी तो बॉडी अपने हथियार डाल देगी, दो ही चीजें होती है। अरे भैया जी सीधा कंसेप्ट है कि छोटा भाई अपने को कुछ गाली दे तो अपन चार पांच देते हैं, और वही पिताजी गाली दे तो अपन चुप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पिताजी की इम्यून सिस्टम, पिताजी के पावर ज्यादा है, अपने कम है। छोटा भाई बोला तो उसको लपेट के रख दिया। तो यहां क्या होगा कि एंटीजन का मतलब क्या है, सर एंटीजन का मतलब रेस्पॉन्स अगेंस्ट द, सॉरी एंटीबॉडी का मतलब क्या देखने को मिलता है, तो लिख लीजिएगा रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन। अरे भैया जी एंटीजन के खिलाफ दिया गया रेस्पॉन्स ही क्या कहलाता है, एंटीबॉडी कहलाता है। अरे एंटीजन के खिलाफ दिया गया रेस्पॉन्स ही एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी ही इम्यूनिटी है। वास्तविकता में आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब फॉरेन पार्टिकल आना नहीं होता है, फॉरेन पार्टिकल को निचोड़ देना, तोड़ देना, लंका लगा देना, मार देना, जान से निकाल देना, जान से अलग निकाल देना, अरे भैया जी तड़पा तड़पा करके पिचका देना, यही तो क्या होता है फॉरेन पार्टिकल वाला मामला देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इम्यूनिटी की मतलब होगी हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता या लड़ने की क्षमता, एंटीजन का मतलब आना और एंटीबॉडी मतलब रेस्पॉन्ड देना। बेस्ट एग्जाम्पल अगर एंटीजन एंटीबॉडी के लिए बोलूं तो मान लीजिएगा तुम्हारे रूम में दो बंदे रहते हैं, अरे दो दोस्त रहते हैं, दोनों ही लड़के हैं, गलत ना सोचें, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खींच के चांटा मार दिया। ध्यान रखिएगा आपके रूम में मैंने दो दोस्त बता दिए, आपके रूम में मैंने दो दोस्त बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोस्त ए है और ये दोस्त बी है। ध्यान रखिएगा एक दोस्त को अपन ने नाम दे दिया एंटीजन, दूसरे दोस्त को नाम दे दिया एंटीबॉडी। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एंटीबॉडी। अब इसका वजन मान लीजिएगा 45 किलो है और इसका वजन 110 किलो है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, एक को नाम दिया एंटीजन और दूसरे को दिया एंटीबॉडी। प्यारे दोस्तों इस एंटीजन या ए वाले दोस्त ने बी वाले दोस्त को थप्पड़ मार दिया, अरे क्या मार दिया, थप्पड़ जड़ दिया, थप्पड़ मार दिया। अब ए वाले ने बी को थप्पड़ मारा मतलब दैट इज एंटीजन, थप्पड़ मारना क्या है एंटीजन है, थप्पड़ मारना क्या है प्यारे दोस्तों एंटीजन है, क्यों, क्योंकि थप्पड़ मारने का मतलब इसको इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया, उसको जगा दिया। अब सर एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, तो प्यारे दोस्तों सामने वाला 110 किलो का है, मार मार के कचुंबर बना देगा, एंटीबॉडी जबरदस्त बनेगी। वहीं पर मामला उल्टा कर दो, ये 45 का वो 10 किलो का, तो कुछ सामने से रेस्पॉन्ड आएगा नहीं, वो अपना गाल मसल लेगा,
वो अपना गाल मसल लेगा और कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसने थप्पड़ मारा मतलब एंटीजन दिया, इसने वापस से लात घूसे चप्पल, अरे चप्पल झाड़ू वाड़ू बेट वेट सबसे मार दिया, एंटीबॉडी जबरदस्त बनी। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल था। सेम टू सेम चीज हमारे शरीर में होती है, बाहर से आने वाला बैक्टीरिया वायरस फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट वगैरह अगर कमजोर है हल्का है तो हमारा शरीर उसको मार देता है, और आने वाला भारी है जैसे कि कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस अटैक कर देता था और अपन हथियार डाल देते थे। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का मतलब पता चल गया, और इम्यूनिटी का मतलब एक्चुअल में एंटीबॉडी बनना ही इम्यूनिटी है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, ध्यान से देखिएगा, रटना नहीं है, एग्जाम्पल को भी नहीं रटना है। इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की, एक होती है प्यारे दोस्तों जिसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी इम्यूनिटी का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अरे क्या देखने को मिलता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, और इनेट का मतलब होता है जन्मजात। तो व्यक्ति की जन्मजात इम्यूनिटी में नाम आता है जैसे कि किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल इम्यूनिटी, किसी भी व्यक्ति में अलग अलग स्पेसीज में इम्यूनिटी, अरे किसी में भैया जी ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल स्पेसीज, ध्यान रखिएगा यहां मैंने तीन डिवाइड कर दिया इम्यूनिटी को। इंडिविजुअल, हर एक इंसान की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग है, आपके पापा की अलग है, मम्मी की अलग है, छोटे भाई की अलग है, छोटी बहन की अलग है, आपकी अलग है, आपके बच्चों की अलग है। भगवान ने हूबहू इम्यूनिटी किसी की नहीं बनाई। 19-20-21 डिफरेंस चलता है, चलता है ना जी हाँ। दूसरा स्पेसीज, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है। ज्योग्राफिकल का मतलब यह जी, यहां रेशियल लिख सकते हो, अरे ज्योग्राफिकल के अंदर रेशियल आप एरियाज के आधार पे भी देखते हो तो अलग अलग। इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी 19-20-21 आपस में मैच करती है, लेकिन सबकी मैच सेम टू सेम नहीं कर सकती। हाँ सर, नेक्स्ट वहीं पे अफ्रीका की लोगों की देखोगे उनकी मैच करती है, लेकिन इंडिया और अफ्रीका सेम है क्या? नहीं है। तो कुल मिलाकर के इंडिविजुअल स्पेसीज और रेशियल तो होती है जन्मजात, उसके बाद कुछ इम्यूनिटी अपने को प्राप्त करनी ही पड़ती है, और प्राप्त करते हैं दो प्रकार से, मेहनत करके और पड़े पड़े। अरे दो प्रकार से अपन इम्यूनिटी को प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करने के तरीके कितने हैं? दो। अरे एक मेहनत करना और दूसरा पड़े पड़े। एक का नाम लिखा है अपन ने मेहनत करना मतलब एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है एक्टिवली बॉडी पार्टिसिपेट करेगी, और दूसरा पैसिव, पैसिव का मतलब बॉडी भी मेहनत नहीं करेगी, बॉडी तो पड़ी पड़ी रहेगी। शरीर अगर मेहनत करके वो बेटा इम्यूनिटी बनाता है तो एक्टिव कहलाती है। अब मेहनत भी दो प्रकार से की जाती है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, एक तो नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। वहीं पे प्यारे दोस्तों इंसान पढ़ा पढ़ा भी दो ही काम करता है, या तो नेचुरल और या आर्टिफिशियल। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, सवाल डेफिनेटली आएगा। यहां मैंने क्या बता दिया, इम्यूनिटी दो प्रकार की है, इनेट और भैया जी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करेंगे, प्राप्त दो प्रकार से, मेहनत करना और पड़े पड़े। एक शब्द में बात को खत्म कर दूंगा, एक्टिव आए तो समझ लेना एंटीजन आएगा, और पैसिव आए तो समझ लेना एंटीबॉडी आएगी। एक्टिव आएगा मतलब आपको सीधा सीधा सवाल में ढूंढना है कि क्या कोई एंटीजन घुसा, और पैसिव आए तो समझ लेना क्या कोई एंटीबॉडीज घुसी, अरे क्या कोई एंटीबॉडीज घुसी। सर एंटीजन का मतलब क्या था, अभी समझाया था, फॉरेन पार्टिकल। अब देखो नेचुरल का मतलब आपने न्योता नहीं दिया था, प्राकृतिक था अपने आप आ गया। अरे प्राकृतिक था अपने आप आ गया तो मुझे बताओ देश और दुनिया में पाए जाने वाले तमाम इन्फेक्शन जिन पॉजिटिव एजेंट से पैदा होते हैं। कोई इंसान बोलता है ए भगवान मुझे मीजल्स हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, रूबेला हो जाए, एचआईवी हो जाए, टीबी हो जाए, बीबी हो जाए, नहीं बोलता है ना, अपने आप बीमारी होती है। तो देश और दुनिया का तमाम इन्फेक्शन, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, सीधी लाइन लिखो ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन किस में जाता है तो ध्यान रखिएगा वो जाता है नेचुरल में। तो आपको देश और दुनिया का कोई भी इन्फेक्शन पूछे तो जवाब देना प्राकृतिक था, शरीर ने कोशिश की फिर प्राप्त किया और इम्यूनिटी बनाई। तो देश और दुनिया के तमाम इन्फेक्शन में जवाब जाएगा नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी प्रकार से जवाब देना, जिंदगी में गलत नहीं होगा, नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो इधर भी एंटीजन आएगा, लेकिन इधर एंटीजन नकली है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब नकली, और नकली चीजें बाजार में मिलती है। जी हाँ, एक बाजार
लगा मोहब्बत का, सौदेबाजी जोरों से हुई, कईयों को मिले ग्राहक अच्छे, हमारी यारी चोरों से हुई। अरे उसने हमी को हमी से चुराया और अपना खास करीबी बताया। आगे डॉट 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 बाद में पूरी करेंगे जब आंकड़ा लगेगा। आर्टिफिशियल का मतलब नकली, देश और दुनिया की तमाम वैक्सीन, ऑल वैक्सीन। प्यारे दोस्तों, देश और दुनिया की जितनी भी वैक्सीन है, क्या वो अपने आप लग जाती है, अपने आप मिल जाती है? प्राकृतिक नहीं मिलती, उसे मंगाना पड़ता है, उसे लेना पड़ता है, उसे चिपकाना पड़ता है। हाँ सर, ऐसा तो नहीं है कि सर मैं तो कचरा डालने जा रहा था, ऊपर से एंटी जी ने कचरा फेंका, उसमें बीसीजी की वैक्सीन थी, मुझे लग गई। नहीं, तो देश और दुनिया की तमाम वैक्सीन, चाहे बीसीजी हो, चाहे पेंटावेलेंट हो, चाहे रोटा हो, चाहे वेटा हो, चाहे पीसीवी हो, चाहे न्यूमोकोकल हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, टीटी हो, डीपीटी हो, डीटी हो, कुछ भी हो, तो ऑल टाइप वैक्सीन किसमें जाएगी? आर्टिफिशियल यानी नकली है। एक्टिव का मतलब आने के बाद शरीर कोशिश करेगा, फिर एक्वायर्ड करेगा और इम्यूनिटी बनाएगा। तो ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो जवाब देना है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन क्या जाएगा? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब पैसिव में बनी बनाई इम्यूनिटी आएगी, पैसिव में बनी बनाई इम्यूनिटी आएगी। शरीर बोल रहा है मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो पहला लिखा नेचुरल। ऐसा कौन इंसान है जो बिना मांगी बनी बनाई इम्यूनिटी देता है? तो एकमात्र शख्सियत इस दुनिया में आती है और उसका नाम है मां। अरे उसका नाम क्या देखने को मिलता है? मां। प्यारे दोस्तों, मां के द्वारा प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास में आने वाली इम्यूनिटी, जैसे कि दूध के साथ आईजीए या प्लेसेंटा को क्रॉस करके आईजीजी, मैटरनल इम्यूनिटी बच्चे के पास आती है, वो नेचुरल है, पैसिव है, एक्वायर्ड है, इम्यूनिटी है। बच्चे को मां से मांगनी नहीं पड़ती है, मां गुहार की अनुमोदन की रिक्वेस्ट नहीं करती है या इंतजार नहीं करती है। मां ये नहीं सोचती है कि मेरा बच्चा जब मुझे बोलेगा कि माता राम मुझे इम्यूनिटी चाहिए तब दूंगी, नहीं, मां हर चीज पहले दे देती है। याद रखिएगा, तो मां के द्वारा आईजीए और आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करके आती है, वो नेचुरल है, बच्चे ने नहीं बोला, पैसिव, बच्चे ने मेहनत नहीं की, इम्यूनिटी आई है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। लास्ट लिखा हुआ है बच्चे को मिलेगी तो इम्यूनिटी, लेकिन वो नकली वाली और नकली चीजें मिलती है बाजार में, और यहां आप लिख सकते हो मार्केट से रेडीमेड। यहां आप सीधा क्या लिख सकते हो? रेडीमेड इम्यूनिटी एंटीबॉडी लाई जाती है, जैसे कि प्यारे दोस्तों आप जिसे इम्यूनोग्लोबुलिंस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इम्यूनोग्लोबुलिंस बोल सकते हो, या जिसे एंटी सीरा बोल सकते हो। अरे एंटी सीरा बोल सकते हो, आपने टिटनेस का, रूबेला का, चिकन पॉक्स के, ये इम्यूनो हिपेटाइटिस के ये इम्यूनोग्लोबुलिन सुने होंगे, वो सारे लगाए जाते हैं, वो किसमें जाते हैं? इसमें। तो एग्जामिनर पूछेगा रेडीमेड एंटीबॉडी टेकन फ्रॉम मार्केट, तो जवाब देना आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो रेडीमेड एंटीबॉडी पूछे तो जवाब आर्टिफिशियल पैसिव जाएगा, रेडीमेड एंटीजन पूछे तो आर्टिफिशियल एक्टिव जाएगा। मोटे मोटे रूप में बोले तो एक्टिव का मतलब शरीर मेहनत करेगा और का मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा। बोलो भगत और भगवान की जय। जी हाँ प्यारे दोस्तों, लास्ट में एक शब्द के साथ में बात को विराम देता हूं। एक इम्यूनिटी होती है जिससे बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी, इतना यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक नाम होता है जिसे अपन बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, और इसी का दूसरा नाम देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है कम्युनिटी इम्यूनिटी। इसी का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? जिसे अपन बोलते हैं कम्युनिटी इम्यूनिटी, यानी वो बीमारियां जो कम्युनिकेबल है उनके खिलाफ अपन कम्युनिटी में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन कर देते हैं, उन्हीं बीमारियों के खिलाफ जिनके कारण फैलने के आसार हैं। समझ में आ गया? जैसे कि आपको बताया हेलमेट किन लोगों को पहनना को बोलते हैं? जिनके सर ऐसे साधन, ऐसे व्हीकल का यूज करते हैं जिनके गिरने से चोट लगने के आसार सीधे सर में, जैसे साइकिल, बाइक, स्कूटी, स्कूटर, यही है। जी हाँ सर, कार वाले को हेलमेट का क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कार पैक है। हवाई जहाज में हेलमेट क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि एरोप्लेन पैक है। बस में, ट्रेन में कहीं नहीं पहनाते हैं। सेम टू सेम चीज है कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कम्युनिटी की इम्यूनिटी, व्यक्तियों के सबके शरीर में डेवलप होने वाली इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो यहां अपन मोटे मोटे रूप में बोल सकते हैं कि इसमें आपको क्या करना है? सर इसके अंदर हम कम्युनिटी के अंदर, अरे हम कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ, कौन सी बीमारी के खिलाफ? कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ क्या कर देते हैं? अरे क्या कर देते हैं? डिजीज के खिलाफ हम उनको क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करते हैं, और वैक्सीनेशन करके उनके शरीर में क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं। क्या डेवलप कर लेते हैं? इम्यूनिटी। वही इम्यूनिटी क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, उसी इम्यूनिटी को बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी। दैट्स क्लियर। अब एग्जामिनर पूछता है कि कौन सी बीमारी के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है? अरे ध्यान रखिएगा, नॉट प्रोटेक्ट। तो आपका सबसे बढ़िया जवाब आना चाहिए वो बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल है, वो बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल है उनके खिलाफ हम वैक्सीनेशन भी नहीं करते हैं तो बचाव भी नहीं करते हैं।
समझ में आ गया, वैक्सीनेशन भी कम्युनिकेबल के खिलाफ करते हैं सोसाइटी में। आपने कभी सुना है कार्डियोवैस्कुलर के खिलाफ वैक्सीन लग रही है? आपने सुना है कैंसर की वैक्सीन लग रही है? नहीं सुना ना। तो कुल मिलाकर के नॉन कम्युनिकेबल के खिलाफ करते ही नहीं है, तो बचाव भी किसका नहीं, नॉन कम्युनिकेबल का। और मार्केट का सबसे रटा रटाया एग्जाम्पल चलता रहता है टिटनस। लेकिन इसके अलावा ये रेबीज वेबीज भी याद कर लेना, रटने वाले जवाब टिटनस देंगे और पढ़ने वाले सीधा बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल। अरे पढ़ने वाले सीधा क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल। क्यों? क्योंकि सर उनके खिलाफ हमने कभी वैक्सीनेशन किया ही नहीं, और जब किया ही नहीं तो बचाव भी नहीं हुआ। तो आपके सवाल का आप चुटकी भर में जवाब दे दोगे प्यारे दोस्तों, पूरा टॉपिक लपेट दिया जो ऑफलाइन में घंटे भर का होता है। इम्यूनिटी ट्रांसफर फ्रॉम द फिटस फ्रॉम द मदर टू प्लेसेंटा। अरे मां से बच्चे में आई तो शरीर ने मेहनत की क्या? नहीं की। नहीं की तो पैसिव एक्टिव वाले दोनों ऑप्शन गए, पैसिव पैसिव। अरे मां ने मांग के दी या बिना मांगे दी? सर बिना मांगे दी, बिना मांगे दी तो पैसिव नेचुरल। राइट आंसर ए जाएगा, मार्केट वाली पैसिव आर्टिफिशियल। अरे भैया जी इम्यूनाइजेशन वाली या वैक्सीनेशन वाली एक्टिव आर्टिफिशियल, और देश और दुनिया के इन्फेक्शन वाली तो जवाब जाता है एक्टिव नेचुरल। जिन जिन बच्चों ने ए जवाब दिया उनका सही, और जिनका गलती से गलत हुआ, गलती एग्जाम हॉल में नहीं करनी है, यहीं पे सीखना है, यहीं पे पहचान करनी है, यहीं पे परख करनी है और अगले सवाल की तरफ रुख करना है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, कमेंट बॉक्स भैया जी धीरे धीरे चल रहा है, माहौल तेज होना चाहिए, तुम्हारे हौसलों में आग होनी चाहिए। वो कहते हैं ना शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। अरे शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ए टर्म वेर नियोनेट इज द थिक व्हाइटी चीजी कोटिंग इज ऑन हिज स्किन। अरे भैया जी टर्म लेवल का मतलब एक बच्चा है जो 37 से 42 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर पैदा हुआ है, यही टर्म लेवल है। जी हाँ, वेयर नियोनेट उस बच्चे के शरीर पे थिक यानी मोटा, व्हाइटिस यानी सफेद कलर का, चीजी का मतलब चीज जैसा, कोटिंग का मतलब कवरिंग इज ऑन हिज स्किन, उसकी चमड़ी पे पाया जाता है। विच करेक्टली डिस्क्राइब द फाइंडिंग, बच्चे के शरीर पे सफेद सफल कलर का चीज चिपा हुआ है। लेनुगो का मतलब होता है बेटा फाइन हेयर, लेनुगो का मतलब क्या होते हैं फाइन हेयर। जब बच्चा पैदा होता है और उसके शरीर पे बहुत हल्के हल्के से बाल जो भूरे कलर के ब्राउन कलर के नजर आते हैं, न तो ब्लैक होते हैं न व्हाइट होते हैं, वो वाले बाल क्या कहलाते हैं लेनुगो। और जब मम्मी बच्चे को 2-3 बार रगड़ रगड़ के नहलाती है तो शुरुआत में जब पैदा होता है तो भैया जी ही कैसा देखने को मिलता है, अजीबो गरीब देखने को मिलता है, डायनासोर जैसा। लेकिन 2-4 बार मम्मी नहलाती है तो वो बाल उतर जाते हैं, वही होते हैं लेनुगो, फाइन हेयर होते हैं, लेनुगो कहलाता है। सर मीलिया क्या है? शरीर के अंदर सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन थिक होने के कारण बच्चे के चेहरे पे व्हाइट स्पॉट व्हाइट डॉट पाए जाते हैं, जिन्हें मीलिया बोला जाता है। ये किसके कारण बोल सकते हो? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन सीबेसियस ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन होने के कारण व्हाइट डॉटेड स्पॉट देखने को मिलता है, वो मीलिया कहलाता है। क्या देखने को मिलता है? मीलिया। तो ये भी उड़ा दो। सर नेक्स्ट लिख दिया नेवस फ्लेमस, क्या देखने को मिलता है? अरे भैया जी हमारी बॉडी की कैपिलरीज के प्रोमिनेंट होने के कारण, अरे इसमें क्या बन जाते हैं, रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं। कैसे कलर के बन जाते हैं? रेड स्पॉट बन जाते हैं। और प्यारे दोस्तों इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी ही पड़ती है, ये अपने आप समय के आधार पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको याद कीजिएगा कि रिक्वायर, अरे इसके लिए क्या देखने को मिलेगा, रिक्वायर को कॉस्मेटिक सर्जरी। अरे रिक्वायर कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक सर्जरी। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट जरूर जरूर होती है। किसमें? नेवस फ्लेमस में। उड़ा दीजिएगा सर ये भी नहीं है। लास्ट में शरीर के ऊपर व्हाइट चीजी अपीयरेंस पाया जाना वर्निक्स केशियोसा कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्निक्स केशियोसा कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट आंसर डी गया। अब ये वर्निक्स केशियोसा कहां होता है? तो प्यारे दोस्तों प्री टर्म के पूरे शरीर में होता है, अरे पोस्ट टर्म वाले के होता ही नहीं है, और टर्म लेवल के प्रेजेंट होता है इन बिटवीन फोल्ड। मैंने 3 लाइनें बताई थी, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक बच्चा सही समय पे पैदा होता है टर्म कहलाता है, समय से पहला पैदा होता है वो प्री टर्म कहलाता है, और भैया जी समय के बाद पैदा होता है वो पोस्ट टर्म कहलाता है।
37 वीक से पहले प्री टर्म और 42 वीक के बाद पोस्ट टर्म और 37 से 42 के ऊपर टर्म कहलाता है। यहां आपके भैया जी वर्निक्स केशियो सा कैसा देखने को मिलता है? अरे तो आपका जवाब देना है इन बिटवीन फोल्ड देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? जॉइंटों के बीच में। यहां क्या मिलेगा? अब्सेंट, शरीर के ऊपर कोई चीज ही अपीयरेंस है ही नहीं। और यहां क्या बोलोगे? कवर द एंटायर बॉडी। यहां क्या देखने को मिलेगा? कवर द एंटायर बॉडी। ध्यान रखिएगा, यहां अपन ने बोल दिया पूरा का पूरा शरीर वर्निक्स केशियोसा से घिरा हुआ रहता है, पूरा एकदम सफेद लगता है कि भैया जी अरे दही की बाल्टी में बच्चे को डुबका के बाहर निकाला। दूसरा नाम होता है लेनुगो। लेनुगो का मतलब फाइन हेयर। यहां आपको क्या देखने को मिलता है? लिटिल। यहां आपको लिटिल प्रेजेंट मिलेंगे, यहां आपको बिल्कुल अब्सेंट मिलेंगे कि है ही नहीं। अरे लेनुगो शरीर पे है ही नहीं। और यहां पर भी क्या देखने को मिलेंगे? अरे भैया जी ध्यान रखिएगा, एकदम एनाकोंडा की तरह पूरा शरीर भरा हुआ है। अरे ध्यान रखिएगा, तो यहां क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव। यहां क्या देखने को मिलते हैं? एक्सेसिव प्रेजेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, टर्म क्या है, पोस्ट टर्म क्या है, प्री टर्म क्या है, प्री टर्म टर्म पोस्ट टर्म, प्री टर्म टर्म पोस्ट टर्म। इसके अलावा नाखून, ब्रेस्ट बर्ड की साइजें वाइजें चलती रहती है। नाखून जन्म के टाइम कितने होने चाहिए? एट द लेवल ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर। जितनी अंगुली है उतना नाखून मतलब बच्चा टर्म लेवल है। सर जितनी अंगुली है और नाखून छोटा है मतलब बच्चा प्री टर्म है, और नाखून बड़े हुए बच्चे हैं के हैं तो समझ लेना पोस्ट टर्म है। नाखून के आधार पर पता चलता है। नेक्स्ट ब्रेस्ट बर्ड। भैया जी ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट बर्ड यानी पल के आधार पे देखा जाता है। अगर बच्चे का ब्रेस्ट बर्ड की साइज 5 mm है तो समझ लेना टर्म लेवल है, और 5 mm से कम है तो प्री टर्म, और 5 mm से ऊपर है तो पोस्ट टर्म के रूप में देखा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो ये मोटे मोटे रूप में अपन चीजें काम में लेते हैं जो अपने को डिफरेंशिएट कराता है, और आपके दिए गए सवाल के अंदर चीजें अपीयरेंस वाली चीज वर्निक्स केशियोसा कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, ध्यान से देखें, पहचाने परखें और फिर अपना जवाब पुट करने की कोशिश करें। चलेगा, क्या बात है, कई बच्चों का बी तो कईयों का सी, धुआंधार जवाब चलता हुआ। रंग बिरंगे जवाबों को एक रेक में लाने की कोशिश करेंगे तभी सिलेक्शन धुआंधार निकलेगा, क्योंकि तभी तो जब सेंटर से बाहर निकल के आओगे तो बोलोगे 360 डिग्रीज है, मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंडिया एंड एब्रॉड। ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां कुछ से कुछ भी हो, सेशन तुम्हारे लिए आ रहा है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, समझ लेना। किसी भी हालत में तुम्हारे लिए सेशन नहीं रोका जाता, इसी को कहते हैं डेडिकेशन वाली क्लास। सवाल आपसे पूछ लिया, विच न्यूरोट्रांसमीटर्स हैज बीन डेफिशिएंट, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है क्लाइंट डेवलपिंग है अल्जाइमर डिजीज वाले मरीज में। तो शब्दों के भाव को ध्यान रखिएगा, अल्जाइमर डिजीज के अंदर बात करते हैं। अल्जाइमर कैसी बीमारी है? तो एक बीमारी है जिसका नाम है डिमेंशिया। आप लोगों को बात याद होगी कि मैंने 8-10 दिन पहले आपको एक डिमेंशिया के बारे में जानकारी दी थी। क्या होता है डिमेंशिया? तो प्यारे दोस्तों डिमेंशिया का मतलब, डिमेंशिया एक प्रकार का ऑर्गेनिक साइकोसिस है। कैसी बीमारी देखने को मिलती है? ऑर्गेनिक साइकोसिस बोला जाता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोसिस? तो सर साइकोसिस का मतलब होता है व्यक्ति अपने मानसिक अवेयरनेस नहीं रखता है, व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्तियां नहीं होती है, बोले तो जजमेंट और इनसाइट बोथ आर अब्सेंट, साइकोसिस कहलाया। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गन में डैमेज होने के कारण। तो प्यारे दोस्तों डिमेंशिया का मतलब बढ़ती हुई उम्र के साथ में या HIV के कारण या थायराइड के कारण या स्ट्रोक के कारण व्यक्ति के दिमाग की नसें फूलने की जगह पिचक गई है, उनको पहुंचने वाले खून की सप्लाई कम हो गई और व्यक्ति के मेमोरी में डिस्टर्बेंस जैसी चीजें देखने को मिल रही है, डिमेंशिया कहलाती है। तो मोटे मोटे रूप में मैं बोलूं तो डिमेंशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। इसके लिए मैं क्या लाइन लिख सकता हूं? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी।
ध्यान रखिएगा, ये किसका डिसऑर्डर देखने को मिलता है, मेमोरी के डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है डिमेंशिया को। प्यारे मित्रों, अगर इस डिमेंशिया को आगे की तरफ ले जाएं तो आपके हाइपोथायरोडिज्म डिमेंशिया होता है। कौन सा होता है? हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म डिमेंशिया जाना जाता है पहला टाइप। दूसरा होता है एड्स डिमेंशिया प्रीकॉक्स। कैसा होता है? एड्स डिमेंशिया, एड्स डिमेंशिया प्रीकॉक्स के डिमेंशिया, ध्यान रखिएगा, एड्स डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों अपन बोल सकते हैं इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया। क्या बोल सकते हैं? इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया बोला जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में लास्ट में अपन क्या बोल सकते हैं, चौथे नंबर पे डिमेंशिया आता है जिसका नाम है अल्जीमर डिमेंशिया। ध्यान रखिएगा, अल्जीमर डिमेंशिया को सेनाइल डिमेंशिया बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है? सेनाइल, सेनाइल का मतलब होता है बूढ़े। अरे ध्यान रखिएगा, यहां मैंने तीनों ही कंडीशन में बोल दिया कि दिमाग को पहुंचने वाली, अरे यहां मैंने तीनों ही कंडीशन में बोल दिया कि दिमाग को पहुंचने वाली जो ब्लड सप्लाई है उसका माजरा या मामला गड़बड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारे दिमाग और दिमाग की नसें, नसों के अंदर थैलियां, थैलियों में खून, खून में खून, अरे बहेगा तभी तो दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे। लेकिन जब दिमाग को खून नहीं पहुंचेगा तो दिमाग तड़पेगा या नहीं तड़पेगा? तड़पेगा। लेकिन एक बहुत बेहतरीन कवि ने एक लाइन बोली है कि मैं जो तड़पूं तो तड़पूं लेकिन तुम न तड़पना, और जो तुम जो तड़पे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मसूर हो जाऊंगा। तो मसूर और मगरूर दोनों नहीं होना है, पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वाह, क्या मस्तिष्क से ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर अपन क्या करवा रहे हैं? इन्फार्क्शन करवा रहे हैं। अब इन्फार्क्शन का मतलब प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी मरीज में एचआईवी हुआ तो भी शरीर मरा डोरा, डला डला हो गया, दिमाग को खून कम पहुंचा, हाइपोथायरोडिज्म में मेटाबॉलिज्म कम हो गई, खून कम पहुंचा। इन्फार्क्शन का मतलब ही होता है वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया और दिमाग की नसें चिपक गई, खून नहीं पहुंचा। और बढ़ती हुई उम्र के साथ में जो सेनाइल डिमेंशिया होता है, बुढ़ापे में भी जो ब्लड वेसल्स ऐसी इतनी बड़ी होती है वो छोटी होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ वेसल्स में होता आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। What do you mean by arteriosclerosis? यानी hardening of artery। आर्टरी में हार्डनिंग आ जाती है, जो इलास्टिसिटी होती है ना, ऊपर बढ़ना, खुलना, पिचकना, वरना वो खत्म हो जाती है। इसलिए बूढ़े लोगों में थोड़ा बीपी नॉर्मल की तुलना में तेज ही मिलता है, बूढ़े लोगों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंसान की तुलना में तेज ही देखने को मिलता है, और उसका काम है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण। अब ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति को बुढ़ापे के कारण दिमाग की नसें पिचक गई और खून नहीं पहुंचा, तो प्यारे दोस्तों ब्रेन का कुछ पार्ट जहां खून नहीं पहुंचेगा वहां डैमेज होगा। हाँ, और डैमेज होगा तो वहां एक हार्मोन की कमी हो जाती है और उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन की कमी होने के कारण मरीज में देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों अलग अलग सिम्टम, जैसे कि एग्नोशिया। अरे क्या देखने को मिलता है? एग्नोशिया देखने को मिलता है। अरे भैया जी, एप्रेक्सिया देखने को मिलता है, एप्रेक्सिया। अरे एमनेशिया देखने को मिलता है, एमनेशिया। ध्यान रखिएगा, मरीज में ऐसे सिम्टम देखने को मिलता है। एग्नोशिया का मतलब अनेबल टू रिकॉग्नाइज, सामने वाले को पहचान नहीं पा रहा हूं। मान लीजिएगा बेटा है, पोता है, बहू है, पत्नी है, माँ है, बाप है, उनको भी वो देख रहा है घूर घूर करके, टुकड़ टुकड़ के, आप कौन? बेटा बोल रहा है, बाप मुझे भूल गया। आपने बूढ़े लोगों में देखा होगा, आपने दादा दादी में देखा होगा, रिश्तेदारों में देखा होगा, वो कई बार अपने को बोलते रहते थे। अपन आते तो पिताजी के नाम से आवाज लगाते, पिताजी आते तो अपने नाम से आवाज लगाते हैं। कारण क्या है? कि उन्हें एग्नोशिया हो गया। अरे एग्नोशिया का मतलब भैया जी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, अनेबल टू रिकॉग्नाइज, याद नहीं कर पा रहे। एप्रेक्सिया, अनेबल टू परफॉर्म, यानी वो काम जो अपनी जिंदगी में इतने जबरदस्त तरीके से करते थे बुढ़ापे के अंदर, वही काम में वो रुकना लग गए। मान लीजिएगा तुम्हारे दादाजी बैंक मैनेजर थे, अरे बैंक मैनेजर थे या बैंक में कैशियर थे। बैंक में कैशियर मतलब नोटों की दुनिया के अंदर जीना, कुबेर से ज्यादा किसी के पास धन है तो बैंक के अंदर कैशियर के पास है। सही बात है, कुबेर वाली फिर लेता है चारों तरफ नोट ही नोट, और वो यूं नोटों को देख के बोलता है आई राम गर्मी लग रही है, नोट बीच में आ गए, ऐसी सही नहीं चल रहा है। वो वाला फील कौन लेता? कैशियर। तो उन्होंने जिंदगी भर पैसे काउंट किए, टकाटक, क्या स्पीड थी खतरनाक। लेकिन बुढ़ापे में अगर उन्हें कोई 10-10 के चार नोट दे दे तो उल्टा सीधा कर रहा है, काउंटिंग नहीं हो रही। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि हमारी हालत देख लो, अभी हम बड़ी बुलंद आवाज के अंदर बोल देते हैं कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, और अभी तो खुद उलझा हुआ हूं वक्त को सुलझाने में। और वक्त ही कितना लगता है जुल्फें सुलझाने में, लेकिन ता उम्र गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। अभी बड़ी बेधड़क शायरी बोल देते हैं, आप मुझे 80 साल में आकर के बोलोगे सिद्धार्थ सर एक शायरी सुना दो, अभी तो रिमेक सुना सकता हूं,
अभी तो मैं आपके भैया जी 10, 20, 30, 40 शायरियों का कॉम्बो बना के सुना सकता हूँ नॉन स्टॉप, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में। लेकिन बुढ़ापे में जब आएगी तो वही आवाजें लटक लटक के, झटक झटक के बोलेगी और आधी से ज्यादा पूरी नहीं होगी। वो क्या होगी? एप्रेक्सिया। एमनेशिया का मतलब भूलने की बीमारी। अरे भैया जी, एमनेशिया का मतलब याद नहीं आ रहा है। आज अपन गूगल को हैंग कराते हैं और 360 डिग्री सारे सब्जेक्टों को घुमाते हैं। 82 साल में आप आओगे कि सर नर्सिंग में, मैं बोलूंगा भाई नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एग्नोशिया, एप्रेक्सिया, एमनेशिया और भैया जी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ये चीज क्या कहलाती है? तो एसिटाइल कोलिन की कमी का कारण। सर अब देख लीजिएगा, डिमेंशिया के मरीज में जो जांच होती है उस जांच का नाम है MMSE। अरे ध्यान रखिएगा, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है। कौन सी जांच करते हैं? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मिनी मेंटल एग्जामिनेशन का स्कोर कितना होता है प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा, स्कोर कई बार पूछा जाता है 30 होता है। अब इसमें अलग अलग होता है, जैसे कि ओरिएंटेशन होता है, लैंग्वेज होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रिकॉल होता है और भैया जी ग्राफिकल या लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। टोटल 30 स्कोर दिया जाता है और 23 से ऊपर नॉर्मल होता है। इस मरीज के इलाज के लिए, जांच के लिए, इलाज के लिए दवाई देंगे उसे बोला जाता है एंटी अल्जाइमर्स ड्रग के नाम से जाना जाता है। और एंटी अल्जाइमर ड्रग क्या करेगी? व्यक्ति में एसिटाइल कोलिन के लेवल को शरीर में बढ़ाएगी और जब यह बढ़ जाता है तो उसके कारण दवाई कौन सी दी जाती है? तो टेकेरिन। अरे कौन सी दवाई दी जाती है प्यारे दोस्तों? टेकेरिन देंगे। और कौन सी दे सकते हो? गैलेंटामाइन। कौन सी दे सकते हो? गैलेंटामाइन। और कौन सी दे सकते हो? तो याद रखिएगा, डोनेपजिल। कौन सी दे सकते हो? डोनेपजिल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी अल्जाइमर ड्रग बता दो तो ध्यान रखिएगा, एंटी अल्जाइमर ड्रग पूछ ले तो टेकेरिन, गैलेंटामाइन और डोनेपजिल नाम से जानी जाती है। अब अल्जाइमर डिमेंशिया वाला क्या करता है? जैसे कि आपके भैया जी बूढ़े दादा दादाजी हैं, उनको आपने खाना खिलाया 10 बजे और वो 10:15 ही बोल रहे हैं, जब तक की प्लेट साइड में ही पड़ी। उन्होंने बोला कि बेटा आज खाना बनाने का विचार नहीं है क्या? अरे बच्चे ने बोला कि दादाजी अभी तो खाया था ये प्लेट। क्यों झूठ बोल रहा है बेटा? ये प्लेट मेरी थड़ी है, मेरी तो कोई भूख लगी है, मुझे खाना खिलाया ही नहीं। घर वालों ने फिर खिलाया, 10 मिनट बाद फिर डिमांड आ गई। अरे धूप में बैठे हैं तो धूप में बैठे रह जाएंगे, सोते हैं तो सोते रह जाएंगे, टीवी देखने के लिए रिमोट को हाथ में लिया और फिर भूल गए कि क्या करना था, मोबाइल को फोन को हाथ में उठाया और किसी को फोन लगाना था, फिर भूल गए क्या करना था। कुल मिलाकर के ऐसी समस्याएं आपको बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है और यह कॉमनली चलता रहता है। इसलिए अल्जाइमर डिमेंशिया इज आल्सो नोन एज सेनाइल डिमेंशिया और सेनाइल डिमेंशिया बुढ़ापे में होता है। बाकी सारे डिमेंशिया खराब है और इलाज सबका करवाना जरूरी है। तो इसके अंदर क्या सीरोटोनिन का रोल है बेटा? सीरोटोनिन आता है डिप्रेशन वाले मरीज में और मेनिया में। डिप्रेशन और मेनिया के मरीज में, डिप्रेशन में कम हो जाता है और मेनिया में बढ़ जाता है, सीरोटोनिन का लेवल उड़ा दो। सर ये डोपामिन किसमें देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? सिजोफ्रेनिया वाले मरीज में आता है, डोपामिन उड़ा दो। अरे एपिनेफ्रिन इसमें आता है क्या? नहीं बेटा, नॉन एपिनेफ्रिन आता है। वो किसमें आता है? तो आपका जवाब देना है डिप्रेशन और मेनिया में नॉन एपिनेफ्रिन आता है। इसमें कौन जाएगा? एसिटाइल कोलिन देखने को मिलेगा। अरे ये राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कमेंट बॉक्स को धुआंधार तरीके से उड़ाते हुए राफेल स्टूडेंट, बहुत मौज कर दी बेटा जी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, रटना नहीं है, मंद मंद चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और जिंदगी को जीतने के बारे में ख्वाब देखने। दुनिया कहती है सपने मत देखो और सिद्धार्थ कहता है बड़े देखो और उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स भी बड़े लगाओ, क्योंकि किसी मान पुरुष ने कहा था कि होके मायूस नहीं हूं शाम की तरह ढलते रहिए, कि होके मायूस नहीं हूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, और ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। धीरे चलो लेकिन चलते रहो ताकि मंजिल को उसकी औकात डेफिनेटली दिखाओगे। Which of the following electrocardiogram changes occur in myocardial infarction? बहुत अच्छा सवाल है। MI के मरीज में ECG में क्या चेंज होगा? Elevated ST segment, invert P wave, widened QRS complex, prolonged PR interval. तो प्यारे दोस्तों अधिक जानकारी के लिए ECG को पढ़ने के लिए आपके अपने 360 के एपिसोड नंबर 133 और 135 में विजिट करें। वहां इतनी ECG पढ़ा रखी है कि आप खुद को कार्डियोलॉजिस्ट महसूस करोगे। ECG नाम के टॉपिक्स को अपनी टिप्स पे करने के लिए एपिसोड नंबर 133 और 135 में जाकर के देखें, खुद को कार्डियोलॉजिस्ट महसूस करोगे। कुछ चीजें मैं ECG के लिए बता देता हूं प्यारे दोस्तों। जैसे कि नाम लिखा हुआ है ECG, ECG की फुल फॉर्म क्या देखने को मिलती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी
ध्यान रखिएगा, ग्राफ, ग्राम और ग्राफी। प्यारे दोस्तों ग्राफी का मतलब होता है प्रोसीजर, यह संपूर्ण जो प्रोसीजर होता है, यह संपूर्ण जो प्रोसीजर होता है वो कहलाता है ग्राफी। ग्राफ का मतलब होता है प्यारे दोस्तों यहां पर मशीन, जो इंस्ट्रूमेंट या मशीन होती है वो ग्राफ है, और जो इससे रिपोर्ट निकल के आती है वो ग्राम कहलाती है। कहने का मतलब जो ईसीजी की जो धारेदार जो फिल्म होती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अरे इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वहीं पे प्यारे दोस्तों ईसीजी चेक करने की जो मशीन होती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मरीज के अंदर लीड चिपका के पता करना, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सर इसके बारे में जानकारी किसने दी? तो एंथोन नाम के भाई साहब ने बताया था। अरे किसने डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी, तो जवाब देना है एंथोन। ध्यान रखिएगा एंथोन नाम के साइंटिस्ट ने जानकारी दी थी कि ईसीजी। अब ईसीजी की मशीन के अंदर आपको बताया कि अंदर धुरी लगी होती है जो गोल गोल घूमती है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, ये सवाल पूछा हुआ है। तो जवाब देना है इट वर्क ऑन द गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल। अरे ये काम कौन से प्रिंसिपल पे करती है? तो आपका जवाब आना चाहिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर नाम के प्रिंसिपल पे काम करती है। अरे कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? तो गैल्वेनोमीटर नाम के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो गैल्वेनोमीटर, एंथोन और नाम पता चल गया, चलेगा। अब ईसीजी के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। नॉर्मल ईसीजी में आपको पता है कि इस प्रकार से ईसीजी बनती है। ध्यान रखिएगा डायग्राम के मामले में मैं थोड़ा कमजोर हूं, लेकिन ईसीजी के मामले में बिल्कुल नहीं हूं। ध्यान रखिएगा यहां क्या देखने को मिलता है? पी वेव आती है, ये क्यू आता है, ये आर आता है, ये एस आता है, ये टी आता है। ये आपके सामने एक नॉर्मल ईसीजी बनाई गई है प्यारे दोस्तों। बनी या नहीं बनी? बनी। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मरीज में पी वेव कब आती है? प्यारे दोस्तों इधर मैं आपका बना लेता हूं शानदार जानदार वाला हर्ट। बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ये किसी भी व्यक्ति का दिल। हाँ प्यारे दोस्तों ये आपका क्या देखने को मिलता है? राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब किसी भी व्यक्ति के हर्ट के एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन आता है, किसमें कॉन्ट्रेक्शन आए? हर्ट के एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो ईसीजी में पी वेव बनेगी। कॉन्ट्रेक्शन का आना एक नाम कॉन्ट्रेक्शन, दूसरा नाम सिस्टोल और तीसरा नाम कहलाता है डीपोलराइजेशन। तो अगर आपसे बोलेगा कि ईसीजी में पी वेव कब आती है, अरे प्यारे दोस्तों ईसीजी में पी वेव कब आती है, तो आप क्या बोलोगे? एट्रियल। कब देखने को मिलेगा? एट्रियल सिस्टोल में, या प्यारे दोस्तों बोल सकते हो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन में, या प्यारे दोस्तों किस में देखने को मिल सकता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन में। अरे डीपोलराइजेशन में देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आई? दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों अपनी ईसीजी में बन रहा है एक कॉम्प्लेक्स जिसे अपन बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अरे जिसे अपन बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है प्यारे दोस्तों ये कब बनेगा? जब मरीज के वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन आएंगे। सीधी सीधी गणित है सर, अगर पी वेव एबनॉर्मल मतलब एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रहा है। सर ज्यादा बने तो ज्यादा आ रहे हैं, सर कम बने तो कम आ रहे हैं, सर दूरी से बने तो धीरे आ रहे हैं, और भैया जी सर दो बने तो प्री मेच्योर आ रहा है, मतलब बनने से पहले बने तो प्री मेच्योर आ रहा है। गणित समझो, बहुत अच्छा आसान काम है। पी वेव का काम है हर्ट के एट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन करवाना, सिस्टोल करना या डीपोलराइज करना। ज्यादा आए तो कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा, कम आए तो कॉन्ट्रेक्शन कम, धीरे आए तो कॉन्ट्रेक्शन धीरे, और आने से पहले आए तो प्री मेच्योर कॉन्ट्रेक्शन। दैट्स क्लियर? जी हाँ, क्यूआरएस का काम होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन। तो यहां लिखवा सकते हो वेंट्री, क्या लिख सकते हो? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अरे क्या लिखोगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। लास्ट में टी वेव कब बनती है? जब वापस से वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। अरे टी वेव कब बनेगी? जब आपकी ईसीजी में वापस से वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो लिख लीजिएगा रिलैक्सेशन को क्या बोला जाता है, तो इसके अंदर वेंट्रिकुलर, अरे क्या बोलोगे? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, या रिलैक्सेशन को बोला जाता है डायस्टोल। क्या बोला जाता है? डायस्टोल बोला जाता है, और या इसी को बोला जाता है रीपोलराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है रीपोलराइजेशन, कि भैया जी रीपोलराइज हो रहा है। अब आपको पता है कि वेंट्रिकल खुलेगा तो वापस खून भरेगा, पिचकेगा तो खून फेंकेगा। तो अगर कल को ईसीजी में बोल दे कि क्यूआरएस एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल क्या है? मतलब ज्यादा बनने लग गया तो समझ लेना कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा, कम बनने लग गया तो कॉन्ट्रेक्शन कम, समय से पहले बनने लग गया तो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। वहीं पे अगर आपसे एग्जामिनर बोले सर ईसीजी में टी वेव बन ही नहीं रही है, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स हो ही नहीं रहा है,
रिलैक्स ही नहीं होगा तो क्या वापस से खून भरेगा? नहीं भरेगा, और भरेगा ही नहीं तो आगे फेंकेगा क्या? तो कुल मिलाकर के ये तीन नाम होते हैं, पी क्यू आर एस टी के नाम समझ में आ गए, कौन सी चीज क्या है। अब मैं आपको सीधा ले जाता हूं आपकी बीमारी जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, ज्यादा एमआई में अभी नहीं घुस करके सीधा ईसीजी पे फोकस करूंगा। ध्यान रखिएगा, हमारा ये हर्ट होता है और हर्ट के ऊपर हर्ट के कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन करवाना, हर्ट के ऊपर हर्ट के कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन करवाने वाली एक लेयर होती है जिसका नाम है मायोकार्डियम। क्या नाम है? मायोकार्डियम नाम बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे मायोकार्डियम बोलते हैं। सर, मायोकार्डियम का हर्ट में क्या रोल होता है? तो हर्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवाना, हर्ट का धड़कना मायोकार्डियम और हर्ट को रिलैक्स करवाना। ध्यान रखिएगा, हर्ट के कॉन्ट्रेक्शन करवाना और रिलैक्सेशन करवाना, ये दोनों काम मायोकार्डियम के। तो सर, फिर इस मायोकार्डियम को हर टाइम एनर्जी कौन देता है? तो मायोकार्डियम एनर्जी लेता है फेट से, और हमारे शरीर में फेट तो होती है, फेट जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सर, और क्या काम है कि ये कभी थकती नहीं है? हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल कभी थकता नहीं है, और जिस दिन दिल थक गया उस दिन हमारी एनर्जी कोई काम भी नहीं आएगी। तो हमारे शरीर से भैया जी ध्यान रखिएगा एओटा निकलता है, अरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर को ब्रांच एओटा, और एओटा की जो पहली ब्रांच है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अरे क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, आर्टरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे हमारे हर्ट के मायोकार्डियम को शुद्ध खून या ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने वाली वेसल्स का नाम क्या है, तो कोरोनरी आर्टरी, जो सबसे पहले सबसे फास्ट, आपने पत्रकारों को देखा होगा, सबसे सटीक और सबसे पहले न्यूज लेकर के आया है आपके सामने आज तक। जी हां, आज तक की ताजा खबर आपके सामने देखने को मिली है कि चुनावी आघोष के युद्धों के अंदर जो सरकारें अपने चुनाव को लेकर के पुरजोर तरीके से उतर चुकी थी मैदान में, दिए गए वचनों के वादाओं को देकर के जनता के द्वारा दी गई वोटों के वोटों की पेटियां खुलने जा रही है, और उसी के साथ में समाचार की घड़ियां आपके सामने आ रही है कि पहली पेटी खुलने में 12,000 वोट इस खाते में गए हैं। आगामी कुछ ही घंटों के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी कि अगले 15,000 वोटों की संख्याएं किस साइड में जाएगी। तमाम जानकारी देखने लिए बने रहेगा आपके अपने न्यूज चैनल के साथ में, मैं आपके साथ। ऐसा कर करके आपने खूब सारे पत्रकारों को सुना होगा, मैं पत्रकार नहीं हूं, इधर आ जाओ। आपके हर्ट की मायोकार्डियम को सबसे तेज और सबसे फास्ट और सबसे शुद्ध खून देती है कोरोनरी आर्टरी। अगर किसी भी कारण से कोरोनरी आर्टरी में कोई कचरा जम गया, अरे कोई कचरा जम गया, कोई थक्का जम गया या कोई समस्या हो गई, तो क्या खून जाएगा? नहीं जाएगा, तो मायोकार्डियम को खून पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, तो बिना खून के मायोकार्डियम तड़पेगी। हाँ, तड़प तड़प के यूं दिल से आहा निकलती, हंसना कोई गुनाह नहीं है, हंसना है लेकिन लिमिटेशन में हंसना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपके मायोकार्डियम को खून नहीं पहुंचा तो मायोकार्डियम तड़पने लगी, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इस्कीमिया हुआ, बीमारी को रोक नहीं पाए। प्यारे दोस्तों, इस्कीमिया आगे, पहले हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया को रोक नहीं पाए, इस्कीमिया हुआ, और बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो हो जाएगा इन्फार्क्शन, और यही कहलाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या जिसे आप अपनी लैंग्वेज में या मेरी लैंग्वेज में बोल सकते हो हार्ट अटैक, जो गांव वाले बोलते हैं हार्ट अटैक, उससे बोला जाता है हर्ट अटैक। तो हर्ट अटैक इज ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसमें क्या होता है कि सर, बीमारी दो प्रकार से, कोरोनरी या मोस्ट कॉमन आर्टरी का नाम क्या है, तो लाडा आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होती है, लिख लीजिएगा स्टार बना करके। अरे मोस्ट कॉमन कौन सी वेसल्स या कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? मोस्ट कॉमन आर्टरी का नाम है भैया जी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों। अरे क्या देखने को मिलती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसके अंदर दो चीजें आएगी प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, जैसे कि एक वेसल्स और ये तुम्हारी दो वेसल्स। अगर तुम्हारी ब्लड की वेसल्स के अंदर कोई थ्रोम्बस बना है, थ्रोम्बस का मतलब कोई हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, कोई मिनरल्स के कारण, कोई फेट के कारण, कोई कैल्शियम के कारण, कोई इलेक्ट्रोलाइट जमने के कारण, और ये वाला जमा हुआ पोर्शन कहलाता है थ्रोम्बस। तो यहां आपको देखने को मिलती है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। क्या देखने को मिलता है? एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई कहलाता है। क्या देखने को मिलता है? इसे एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई कहलाएगा। वहीं पे प्यारे दोस्तों, अगर यहां प्लेटलेट का एग्रीगेशन हुआ, अगर यहां प्यारे दोस्तों किसका एग्रीगेशन देखने को मिलता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन देखने को मिल रहा है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन देखने को मिलेगा, तो यहां आपको इस एमआई को बोला जाता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन।
ध्यान रखिएगा, दोनों चीजों में बहुत आसान सा फर्क है कि अगर अंदर प्लेटलेट जमी तो बोलेंगे नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, आपकी ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन का मतलब डिप्रेशन है। और इधर बोल दिया जब थ्रोम्बस बनेगा तो थ्रोम्बस में इलाज थ्रोम्बोलाइटिक देना है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन में एंटी प्लेटलेट टाइम की दवाई दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब बाकी आपको मुन्ना और सोना वाला कंसेप्ट सबको याद होगा कि मरीज को सबसे पहले ओनम बोले तो ऑक्सीजन देनी है, उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन, फिर भैया जी मॉर्फिन और भैया जी एस्पिरिन जैसी दवाई दी जाती है। यहां एमआई के लिए क्या प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल आता है? नहीं सर, ये तो पोटेशियम के गड़बड़ाने में वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और इन्वर्टेड पी वेव, नहीं, राइट आंसर जाएगा एसटी सेगमेंट। लेकिन एक चीज लिख लीजिएगा, अगर किसी भी मरीज को दिल का दौरा एक बार पड़ जाता है उसमें लाइफ लॉन्ग क्यू वेव एबनॉर्मल मिलती है, स्टार बनगा के लिख लीजिएगा कि परमानेंट आपको क्या देखने को मिलेगी, क्यू वेव एबनॉर्मल मिलेगी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले मरीज में परमानेंट क्यू वेव एबनॉर्मल मिलती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अरे जिंदगी भर एबनॉर्मल मिलने वाली वेव कौन सी होती है? क्यू वेव। तो कई बार क्यू वेव को पकड़ के जिद मत कर लेना एमआई है, क्योंकि अभी का पता कर अभी है या नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने लेकर के चलता हूं, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। अरे ये आप लोगों के हौसले ही हमारे को एनर्जी देते हैं, जो हर परिस्थिति में बोलते हैं कि रुकना नहीं है। और वो एक बहुत बेहतरीन लाइन है कि जमी पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। स्वार्थी नहीं बनना है, सारथी बनना है। और अपनी ईमानदारी के साथ में अगर सेशन पसंद आता है और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। हर दिन एक नया टास्क है, एक नया आंकड़ा स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए जो हमें एनर्जी देगा, जोश जुनून पागलपन देगा और आपके एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाने के लिए भरपूर मजबूती देने का काम करेगा। गारंटी हमारे हौसलों में इतनी आग है कि एग्जामिनर को खून के आंसू रुलाएंगे। अरे वो भी याद करेगा कि किसी ने यूट्यूब पर भूचाल मचाया था, दुनिया सोच सोच के मर जाएगी कि आखिरकार सिद्धार्थ करना क्या चाहता है। कंसेप्ट लॉजिक रेशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन, और उन तमाम बच्चों के सपने साकार होंगे जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास करते हैं और जो ये कहते हैं कि मेरा तो होगा। जो बच्चे ने ये बोल दिया मेरा तो होगा, उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ह्यूमन प्लेसेंटा कंप्लीट डेवलप एट द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। भैया जी ह्यूमन प्लेसेंटा कब डेवलप हो जाता है प्रेगनेंसी के? अरे प्लेसेंटा कब डेवलप हो जाता है? 2 महीने 3 महीने 1 महीना 4 महीना। समय का अभाव है, थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। प्रेगनेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है प्यारे दोस्तों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट है या प्रेगनेंसी का वो इंसान है जो भैया जी गैसेज एक्सचेंज करना, न्यूट्रिशन एक्सचेंज करना, आपस की चीजों का आदान प्रदान करना, खूनों का आदान प्रदान करना, मां को बच्चे के अंदर मजबूती देना, ये सारा काम प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा बनकर के कब तैयार हो जाता है? तो प्यारे दोस्तों 12 वीक में प्लेसेंटा बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है साहब, ये प्लेसेंटा का वजन कितना होता है प्यारे दोस्तों? 500 ग्राम होता है। लेकिन इससे भी बढ़िया जो स्टार वाला जवाब आता है कि हर बच्चे में 500 ग्राम नहीं होता है, सॉरी हर प्रेगनेंसी में 500 ग्राम नहीं होता है। तो कैसा होता है? जो ज्यादा मां मजबूत जिसका खान पान अच्छा उसमें भारी भी हो सकता है, और जिन माता राम का खान पान हल्का है उनमें हल्का भी हो सकता है। इसके लिए अपन बेस्ट बोलते हैं कि भैया जी 1:6। अरे 1:6 का मतलब अगर प्लेसेंटा, अगर बच्चे का वजन अपन बात करते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा 500 ग्राम का होता है और बच्चा 3000 ग्राम का होता है, एक हेल्थी बच्चे का वजन अपन 3000 ग्राम मानते हैं, तो अगर किसी भी बच्चे का यानी फिटस का वजन अगर 3000 ग्राम है तो जरूर उसके प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम यानी इसे 1:6। अगर एग्जामिनर उल्टा पूछ ले फीटस प्लेसेंटल रेशियो तो 6:1, और भैया जी प्लेसेंटा फीटस रेशियो तो 1:6 के नाम से जाना जाता है। अब ये प्लेसेंटा जब बनता है तो इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं मैं डायग्राम के साथ में पढ़ा देता हूं। ध्यान रखिएगा प्लेसेंटा ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं फटाक से आपके सामने डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं ताकि अपन चीजें 2 सेकंड के अंदर समझ लेंगे। शोर नहीं जाना है प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं ना कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और तुम्हारा तो वक्त आया था हमारा दौर आएगा। तो अपने पड़ोसी को बोल दीजिएगा कि तेरा तो क्या आया था,
वक्त आया था, हमारा तो पूरा दौर आएगा, और दौर कब आएगा, जब हम सिलेक्शन निकाल के लाएंगे। चलो ध्यान रखिएगा, ये मैटरनल सरफेस है, इसके लिए इसका नाम है डेसीडुआ। अरे ये मां वाली सरफेस है इसलिए डेसीडुआ, और ये बच्चे वाली सरफेस है इसलिए बोला जाता है कोरियोन। अरे इसे क्या बोला जाता है, कोरियोन। सिनसाइटो, साइटोट्रोपोब्लास्ट और मिजेनकाइमा। सिनसाइटो, साइटो और मिजेनकाइमा तीन लेयर का बन जाना कोरियोन कहलाता है। उधर मां वाली सरफेस डेसीडुआ, प्रेगनेंसी में फीमेल के यूट्रस की एंडोमेट्रियम को डेसीडुआ बोला जाता है। अब ये अंदर जो लाल चमकती दमकती चीज है इसका नाम है कोटी। अरे भैया जी क्या नाम देखने को मिलता है, कोटिलिडोन्स बोला जाता है। अरे क्या बोलते हैं, कोटिलिडोन्स, इनकी संख्या होती है प्यारे दोस्तों 15 से 20। और इस कोटिलिडोन्स में कौन भरा हुआ है, ब्लड, खून, लबालब। और जिसमें खून होता है वो भैया जी कैसे कलर का मिलेगा, लाल। तो मैटरनल प्लेसेंटल सरफेस कैसी होगी, रेड अपीयरेंस में होगी। चलो आगे, नेक्स्ट सर, इसके अंदर ये पतली पतली झिल्लियां, ये क्या कहलाती है, विलाई। और विलाई ही आपके ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। विलाई इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। और बीच वाली विलाई का नाम है कोरियोनिक फ्रंडूसम, सीएफ नाम से बोला जाता है। सबसे बड़ी जिसे स्टीम विलाई भी बोल सकते हैं, कोरियोनिक फ्रंडूसम को स्टीम विलाई भी बोला जा सकता है। और जो कॉर्नर में सबसे छोटी होती है उसे कोरियोनिक लीव बोलते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, डेसीडुआ को कोरियोन में और कोरियोन को डेसीडुआ में घुसने से रोकने के लिए एक कॉर्नर पे एक लेयर होती है जिसका नाम होता है प्यारे दोस्तों निटाबुक लेयर। क्या बोला जाता है, जिसका नाम क्या देखने को मिलता है, निटाबुक लेयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा, निटाबुक लेयर के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्यारे दोस्तों ये कोटिलिडोन्स या विलई कितनी होती है, तो एक प्लेसेंटा में 45 से 60 विलई होती है। अरे तो कुल मिलाकर के 15 से 20 कोटिलिडोन्स 45 या 40 से 60 विलई को ब्लड सप्लाई देगी। तो मोटे मोटे रूप में अपन ये बात बोल सकते हैं कि एक कोटिलिडोन्स 3 से 4 विलई को खून देता है। हाँ सर, चलो इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, लाल लाल टिमकियां किस चीज की है, खून को छानने के लिए। इसे फिल्ट्रेशन के एक अंदर काम में लेते हैं, जिसे बोला जाता है ट्रेबेकुलाई। क्या बोला जाता है, ट्रेबेकुली। ध्यान रखिएगा ट्रेबेकुली का काम क्या होता है, तो लिख लीजिएगा फिल्ट्रेशन। अरे क्या नाम देखने को मिलता है, फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, कोई बात नहीं है, चेंज होता रहता है, फिल्ट्रेशन। अरे क्या नाम देखने को मिलता है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, मां प्लेसेंटा को खून देती है 500 ml, बच्चे को चाहिए 350, तो 150 ml प्लेसेंटा अपने पास रख लेता है। इसे बोला जाता है इंटरविलिस स्पेस, या जिसे आप बोल सकते हो लेक्यूनर स्पेस। क्या बोल सकते हो, लेक्यूनर स्पेस बोल दो, या प्यारे दोस्तों एक्स्ट्रा स्पेस बोल दो, या इंटरविलिस स्पेस बोल दो। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, प्लेसेंटा में अगर कोई सर बीमारी आई तो क्या बच्चे तक पहुंचेगी, अरे नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल मैक्रोफेजेज होती है, अरे जो हमारे प्लेसेंटा की डिफेंस का काम करती है उसे बोलते हैं हाफ बोर सेल। प्लेसेंटा की डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है उस सेल का नाम क्या होगा, हाफ बोर सेल बोला जाता है। तो हाफ बोर सेल, देखो एक एक का काम लिख लेना, मेरे पास समय का अभाव है, आप लिख सकते हो। इंटरविलस स्पेस क्या करेगा सर, मां 500 देगी, बच्चे को 350 जाएगा, 150 ml रिजोवियर रहेगा। कोटिलिडोन क्या है, तो मां के डेसीडुआ में खून के भरे हुए गुब्बारे कोटिलिडोन्स कहलाते हैं, जो 15 से 20 संख्या में होते हैं। चलो नेक्स्ट हो गया कि निटाबुक लेयर क्या होती है, इस लेयर को उस लेयर में आपस में घुसने से रोकने के लिए पड़ोसी की दीवार निटाबुक लेयर कहलाती है। जिस दिन अब्सेंट हो जाएगी प्लेसेंटा, एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा जैसी बीमारियां होगी। सबसे छोटी लीव का नाम है कोरियोनिक लीव होती है, सबसे छोटी विलई होती है, सबसे बड़ी विलई सेंटर पोर्शन में पाई जाती है, कोरियोनिक फ्रंडूसम या जिसे स्टीम विलई बोलते हैं। चलो इधर मैंने बोल दिया कोरियोन का मतलब क्या होता है, तो सिनसाइटो, साइटो और मिजेनकाइमा तीन लेयर का बन जाना बच्चे की तरफ कोरियोन कहलाती है। ट्रेबेकुलाई क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन, खून छानने का काम करती है। डेसीडुआ क्या है, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम का नाम परिवर्तन करके डेसीडुआ कर दिया है कुल मिलाकर के। और ये क्या नजर आ रही है, तो इसे बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा से निकलती है। छोटे मोटे सवाल में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है प्लेसेंटा की फिटल सरफेस पता करने का तरीका, प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। मैटरनल सरफेस पता करने का तरीका, तो ध्यान रखिएगा एक्सेसिव ब्रिक रेड कलर अपीयरेंस। बच्चे वाली सरफेस थोड़ी साइनी कलर की होती है, बच्चे वाली सरफेस साइनी कलर की, और मां वाली सरफेस एकदम खून से लबालब क्लॉट्स वाली सरफेस होती है। ये आपका प्लेसेंटा कुछ इस प्रकार से होता है। अब ध्यान रखिएगा, यूट्रस से प्लेसेंटा के पास में चलने वाला सर्कुलेशन कहलाता है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जो वो भैया जी 12वें दिन स्टार्ट हो जाता है।
कितने दिन हो जाता है? 12वें दिन। वहीं पे भैया जी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट देखने को मिलता है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा से बच्चे के पास खून जाता है 21वें दिन, क्योंकि टर्सरी विलय बनती है 21वें दिन। तो ध्यान रखिएगा यहां का सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, तो यूट्रो, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कहलाता है, और यहां से खून जो बच्चे के पास जाता है वो क्या कहलाता है, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन 21 दिन पे शुरू होता है, क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स 21 दिन पे ही बनती है। दैट्स क्लियर। तो ये आपका प्लेसेंटा ऐसा बनकर के तैयार हो जाता है 12वें वीक, और ये भैया जी 12वां वीक बोले तो 3 महीने, और ये पूरी प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करना और बच्चे के लिए तमाम वो ख्वाहिशें पूरी करना जो उसके लिए होगी। बच्चे के फेफड़े प्रेगनेंसी में कोलैप्स रहते हैं तो गैसों का एक्सचेंज करना, सांसों का आदान प्रदान करता, अरे यही करता है, धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया है, कांप गया पूर्ण बदन अंतर मन से, लेकिन मैं आंखों से अंगारे नथनों से तूफान लाऊंगा, गिर गिर करके हर बार खड़ा हो जाऊंगा। अरे ये बच्चा बोल रहा है मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि माता राम मेरी मदद कर रही है। क्लियर है? तो बोलो भगत और भगवान की जय। ये प्लेसेंटा का वेट वगैरह हो गया, फंक्शन वगैरह अपन फर्दर डील करेंगे। अभी यही सवाल था बनके कब तैयार हो जाएगा, तो राइट आंसर जाएगा 3 महीने, उससे भी बढ़िया जवाब। यहां प्रेगनेंसी में वीक बोले जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा 12 वीक। क्लियर है? 4 महीने ज्यादा हो जाएगा, 1 महीना जल्दी हो जाएगा, 2 महीने गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? बी। और इसी के साथ प्यारे दोस्तों आज के दिन की समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त। आई होप आप सब लोगों ने आज के दिन के धुआंधार सेशन को किया होगा, बहुत अच्छे से एंजॉय, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, जोश जुनून पागलपन बढ़ा। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया जरूर कर दीजिएगा, अगर क्लास पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो मुझे एनर्जी देगा, मोटिवेशन देगा, और कल फिर सुबह 9:30 बजे आपके लिए सेशन लाने को लिए उत्सुकता पैदा करेगा। एग्जामिनर को बोल दीजिएगा कि तैयार रहना, इस बार तुम्हारी खोपड़ी में छेद करेंगे, और जब तक अपने सिलेक्शन को पा नहीं लेते तब तक रुकेंगे नहीं। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, इन 3 चीजों को लेकर के सुबह 9:30 बजे तैयार रहेगा, फिर से भूचाल मचाएंगे नर्सिंग क्षेत्र में। आज के लिए इतना ही, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कृष्ट परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।